दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आइए पढ़ते हैं पहले ये क्वेश्चन क्या क्या है। ये क्वेश्चन, अ पार्टिकल ओरिजिनली एट रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सरफेस इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। यानी मान लो इनिशियली यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट था और वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। इट विल लीव द सर्कल एट अ वर्टिकल डिस्टेंस एच। यानी जो ये वर्टिकल डिस्टेंस एच है, यहाँ पर ये पहुंचेगा तो ये अपना कॉन्टेक्ट तोड़ देगा और नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है, इट विल लीव द सर्कल एट अ वर्टिकल डिस्टेंस एच बिलो द हाईएस्ट पॉइंट सच दैट। तो एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये हमें पूछा गया है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं ओरिजिन और इसको बोल देते हैं पी। अब हमको अगर यहाँ पर देखें तो AO कितना आता है, तो AO आता है R, और हम ये भी बोल सकते हैं कि AO is equal to AP plus PO, right? अब यहां पर ये कितना डिस्टेंस है बच्चों, तो ये है R, तो इसका मान लो तो है एंगल यहां पर थीटा है। तो इस दिशा में आपका R का एक कॉम्पोनेंट निकलेगा और वो क्या रहेगा, वो रहेगा r cos theta। तो यहां पर op कितना हो जाएगा, तो op हो जाएगा आपका r cos theta। ao कितना है, तो ao है r। ap कितना है, ap है h प्लस ये r cos theta। तो h कितना आएगा, तो h आएगा r माइनस r cos theta आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो हमको ये cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आइए cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस साइड में लगेगा नॉर्मल और इस साइड में लगेगा mg। ये एंगल कितना बनेगा, तो ये एंगल बनेगा थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी तो थीटा बनेगा। इस mg का इस साइड में कंपोनेंट बनेगा, वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा mg cos थीटा, राइट। और ये जो mg cos थीटा है और ये नॉर्मल है, ये ही क्या करेंगे, ये ही नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो mg के डायरेक्शन अंदर में है और नॉर्मल के डायरेक्शन बाहर में है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इसलिए मैं लिखता हूं mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। अब ये पोजीशन पे पहुंचने का पार्टिकल क्या करेगा, कांटेक्ट छोड़ देगा और नीचे गिर जाएगा इधर। तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहां पर m से m मर जाएगा, तो मुझे v स्क्वायर मिलता है rg cos थीटा, इतना मिल गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करनी पड़ेगी, किसके लिए, पॉइंट ए से बी तक के लिए। तो यहां पर क्या होते हैं, इनिशियल आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि इनिशियली यहां पर आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होती है, ये पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी है बी और यहां पर मान लो वेलोसिटी है यू, जीरो है, ठीक है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो ए पॉइंट पे, और पोटेंशियल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। यहां पर एम से एम मर जाएगा, तो वी स्क्वायर कितना आएगा, तो वी स्क्वायर आएगा टू जी एच। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, टू जी एच इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा मिल जाएगा। जी से जी मर जाएगा, तो मुझे यहां पर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू टू एच मिलता है, राइट। तो ये आर कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एच इज इक्वल टू आर माइनस टू एच। ये टू एच को मैं इधर लेके जाता हूं, तो ये कितना बनेगा, थ्री एच इज इक्वल टू आर। तो एच कितना आता है बच्चों, एच आएगा आर बाय थ्री। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।